बालोतरा शहर के सिनेमा हॉल के पीछे स्थित कबाड़ के गोदाम में मंगलवार रात करीब 2 बजे को शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक देखी जा रही थी। आग के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड ने करीब 24 राउंड से अधिक कर इस भीषण आग पर बुधवार सुबह काबू पाया। सूचना पर मौके पर बालोतरा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। बालोतरा शहर के सिनेमा हॉल के पीछे स्थित कबाड़ की गोदाम में मंगलवार रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक देखी जा रही थी। आग के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड के वाहनों ने करीब 24 राउंड से अधिक पानी का छिड़काव कर इस भीषण आग पर बुधवार सुबह जाकर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद किसी व्यक्ति ने गोदाम से धुआं उठता देखा और तुरंत आसपास के लोगों को सूचित किया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। गोदाम में अत्यधिक कबाड़ और प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग बुझाने में काफी समय लग रहा था। वहीं रहवासी इलाके में आग लगने के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालोतरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने करीब 30 फेरे किए, तब कहीं जाकर बुधवार सुबह 11 बजे आग पर काबू पाया जा सका। कबाड़ के गोदाम में आग लगने के कारण इसके मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तो पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आग कैसे लगी। बहरहाल एक रहवासी क्षेत्र में संचालित हो रहे कबाड़ के गोदाम में आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में लोगों में पूरी रात दहशत का माहौल बना रहा।